भोपाल के तलैया थाना पुलिस ने 80,000 की मशरूका यानी कि देसी शराब के साथ एक युवक को पकड़ा है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व लॉकडाउन में पास की ही एक देसी कलारी से शराब की पेटियां चोरी करने का मामला सामने आया था। पकड़े गए उक्त युवक ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। देसी कलारी कमला पार्क के पास में है। विगत दिनों पहले 10 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ था, 24 तारीख से लेके 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक है। उसी दरमियान के बाद जो है इस दुकान से चोरी हो गई थी, खिड़की तोड़कर जो है लगभग 150 पेटियां चोरी कर लिए थे, जिस पर से नकबजनी का FIR दर्ज की गई। और विवेचना के दौरान पता लगा कि 3 व्यक्तियों ने मिलकर जो है इस घटना का अंजाम दिया। एक तो उसका खास कलारी का पड़ोसी है फैजान, जो छोटी गुंटी पान के चलाता था। अचानक चोरी की घटना के बाद में जो है अचानक उसने जो है आलिशान उसका होटल बनाने लगा। इस पर से जो है मोहल्ले को शक हुआ, तो सूचना दिए कि अचानक ऐसा इसके पास पैसे कहाँ से आ गए। पुलिस के पास सूचना आई, पुलिस अपने सूचना तंत्र के आधार पर उसको डेवलप किया, जिसके आधार पर जो है इस मामले का पर्दाफाश हुआ। एक आरोपी का भी अभी गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड के लिए भेजा हूँ, और उसके पास से 30 पेटी लगभग जब्त की है, और 2 उसमें मुख्य मास्टरमाइंड है फैजान और यावर, इनके कब्जे में 50 पेटियाँ हैं। इनको जब पकड़ा जाएगा तो इनसे जो उक्त पेटियाँ मशरूका बरामद किया जाएगा। अभी कितना अभी जो है 80,000 का मशरूका हुआ है, अब लगभग अभी 100 पेटियाँ और बरामद करना है, लगभग 4,00,000 का माल और बरामद करना है। एक आरोपी को सूचना के तंत्र आधार पर उसको जो है मुखबिर की सूचना पे पकड़े हैं।